बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अरबी गोश्त की रेसिपी। तो व्यूअर्स, ये मैंने पैन एक चूल्हे पर चढ़ा दिया था, अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ये मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया। ये मैं चिकन में बना रही हूँ, आप बीफ में बना सकते हैं, अब बीफ में बना लें। अब ये गरम हो जाए तो अब इसके अंदर मैं ये प्याज डालूँगी। ये मैंने प्याज लिया था, 2 अदद प्याज लिया था मैंने। बिरयानी साइज इसको मैंने बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे प्याज को। जब ये फ्राई हो जाए तो फिर हम आपको आगे ये प्रोसेस बताते हैं। देखें, प्याज ब्राउन करूँगी और मैंने एक चूल्हे पर मैंने अरबी को धोकर काट लिए और उसको छिलकर मैं इसमें हल्दी और नमक डाल के उसको फ्राई कर रही हूँ। अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। ये बस प्याज थोड़ी सी रह गई है फ्राई हो जाए। ये देखेंगे बस ये फ्राई हो गई। ये देखेंगे ये प्याज फ्राई हो चुकी है। बस अब इतने ही फ्राई करना है आपको। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। ये डाल के फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट वो डालेंगे, 1 टेबल स्पून डालना है। और साथ ही इसके अंदर हम नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने अरबी में भी डाला हुआ है नमक। इसको फ्राई जब तक हम करेंगे जब तक ये पानी सूख ना हो जाए। बस आप अगर मेरे चैनल पर गए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देखिए इस तरीके से फ्राई करना है। बस आप भी इसी तरीके से करिएगा। बस इसी तरीके से मेरा साथ देते रहा करें आप। आपके साथ के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये फ्राई हो गया तो इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। ये मैंने 2 बिरयानी साइज के टमाटर लिए थे, वो हम डाल के उसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, किसी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून। अब ये डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसमें हम गर्म मसाला पाउडर आपस में डालेंगे। जब ये भुनने के टाइम हो जाएगा, जब ये गोश्त हमारा गल जाए, अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से गल जाए और चिकन भी गल जाए। ये बस ये देखें, इसके अंदर पानी आपने डालें, इतना पानी डालें जिसमें हमारे चिकन गल जाए।
ये देखिए बस ये मसाला भी इसमें मिक्स हो चुका है, चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब इसकी भुनाई कर देते हैं, इसमें तेल आ जाए ऊपर। अब इसके अंदर में ये फ्राई किया हुआ मैंने अभी रखी थी फ्राई की है, ये डाल रहे हैं। इसको डाल के अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पिसा है, ये होम मेड गरम मसाला है। अब इसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये डाल के अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, उसको हम ढक देंगे जब तक अर्जी हमारी गल जाती है। ये देखिए बस ये इसमें अर्जी भी गल चुकी है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची और हरा धनिया से गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए बस अब इसमें हरी मिर्ची डाल दें, ये हरा धनिया डालूँगी। ये देखिए अभी बस ये तैयार है, अभी मैं इसमें डिश में निकाल रही हूँ। ये देखिए अभी बस ये मैंने डिश में निकाल लिया। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों के साथ शेयर करें। अपना अपनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जैसा थे अल्लाह हाफिज़।